यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आने वाले समय में मोदी सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा कदम उठा सकती है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद से ही मुस्लिम नेता और धर्म गुरु इसका विरोध कर रहे हैं। अब यूसीसी के विरोध में मस्जिदों में QR कोड लगने लगे हैं। ताज़ा मामला मुंबई का है। शहर के मलाड इलाके में पठानवाड़ी में मौजूद नूरानी मस्जिद में यूसीसी का विरोध करने के लिए बार कोड लगाया गया है। नूरानी मस्जिद के गेट पर नो यूसीसी के नाम से QR कोड लगाया गया है। कोड को स्कैन कर लोगों से विरोध करने की अपील की जा रही है। गौरतलब है कि इसे स्कैन करते ही लिंक आती है। लिंक ओपन करते ही ऑटो जनरेट मेल आता है जिसमें लिखा रहता है कि मैं मुस्लिम हूं और मुझे यह कानून पसंद नहीं है, इसलिए इसे ना लाएं। जानकारी के मुताबिक नूरानी मस्जिद में QR कोड लगाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मस्जिद से जुड़े कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उनसे पूछताछ हुई। पूर्व नगर सेवक अहमद जमाल ने बताया कि यूसीसी हमें मंजूर नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसका विरोध किया है। यह जमीयत के खिलाफ है। हमारा खुद का कानून है तो इसे क्यों बदलना है। मतलब जो उन्होंने मांगा है बहुत ही पब्लिक को तो मालूम ही नहीं है, न हिंदुओं को मालूम है, न आदिवासियों को मालूम है, न सिखों को मालूम है, न हमारे को मालूम है। अरे भाई, कोई भी चीज का अगर कोई कानून आपको बनाना है, कोई भी लॉ आपको बनाना है, तो हम लोग के डेलीगेट को बुलाइए ना। अरे भाई, संसद है, राज्यसभा है, हाउस है, और हमारी लोग बैठे हैं ना, हमारे उलमा बैठे हुए ना, बात करिए ना उनसे। आप क्या चाहते हो उनसे बात करिए। आप क्या लगा कि मैं लड़के से लड़की की शादी में मान लूंगा, क्या मैं लड़की से लड़की की शादी मान लूंगा, या आप लोग मान लेंगे? क्या मैं ये बात को कर सकता हूँ कि जो बच्चा होता है वो हराम होएगा या हलाल होएगा, क्या मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा? वो किसका, मुझे क्या मानूं? और आप कब उसको छोड़ रहे हो, कब उसको वो कर रहे हो? तो इस्लाम ये बात को नहीं मानेगा। इस्लाम एक मजहब जो है अपने बुनियादों पे चलने वाला है, अपने कानूनों अपने लॉ पे चलने वाला है। वो किसी, देखिए हम बाकी तो आपके पूरे संविधान को मान रहे हैं, पूरे संविधान से हमारा कोई वो नहीं है। हम संविधान हमारा राइट है, हमारा फ्रीडम है, हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, हम क्या मोदी और शाह को नहीं मानते, हम सबको मान रहे। लेकिन हमारे लॉ में छेड़छाड़ थोड़ी होनी चाहिए। क्या मैं निकाह की जगह पे क्या मैं 7 फेरे दूंगा? पॉसिबल नहीं है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानून का विरोध हाईटेक तरीके से कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।